दोस्तों इन्फिनिक्स इंडिया में अपने 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन को कर दिया है लॉन्च और उसका नाम है इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा। इस स्मार्टफोन में दोस्तों 180 वाट का चार्जर मिलता है और साथ ही यहां पर 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है। तो इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन जानेंगे, इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ ही इसका मैं ओपिनियन दूंगा कि क्या स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, इसका प्राइस कितना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पर मिलता है इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा, मुझे हाथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसे करते हैं अभी के लिए साइड। यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि एक कार्ड दिया गया है, साथ ही यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर, सिम इजेक्टर टूल, यहाँ पर एक क्लब कार्ड, एक बैक कवर, यहाँ पर एक कनेक्टर मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर टाइप सी टू टाइप सी का केबल, यहाँ पर ईयरफोन और 180 वाट का चार्जर। इस फोन के राइट में मिलता है पावर बटन, उसके ऊपर मिलता है वॉल्यूम कंट्रोल बटन, फोन के नीचे में मिलता है सिम कार्ड स्लॉट, साथ ही एक माइक और यहाँ पर यूएसबी टाइप सी का पोर्ट और एक स्पीकर। फोन के ऊपर में एक स्पीकर और एक माइक मिल जाता है, फोन के लेफ्ट में कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों इस फोन के हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.81 इंची का फुल HD प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर जो 3D कर्व्ड है वो काफ़ी यहाँ पर प्रीमियम लुक देता है, तो अगर आप फोन को हाथ में लेते हैं तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा आपको लगने वाला है। इसी के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और दोस्तों यहाँ पर 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो यहाँ पर फोन में अगर आप टच करते हैं, स्वाइप करते हैं तो कोई इशू यहाँ पर नहीं मिलेगा, काफ़ी फास्ट यहाँ पर टचेज वगैरह होने वाले हैं। इसमें 900 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, तो अगर फोन को आप दिन में भी इस्तेमाल करें, यहाँ पर रोशनी में भी इस्तेमाल करें तो कोई इशू नहीं मिलेगा, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओवरऑल डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है, इसमें अगर आप मूवी देखते हैं, इसमें कोई भी चीज़ें देखते हैं तो आपको जो डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। तो मल्टीमीडिया इसमें आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। फोन के डिस्प्ले में ही मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है, यहाँ पर मक्खन के जैसा काम करता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों फोन के फ्रंट में ही मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का पंच होल वाला कैमरा, तो इस कैमरे से आप काफ़ी अच्छा सेल्फी ले सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड है, इसमें नाइट मोड, इस तरीके के मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर फोन का सेल्फी कैमरा काफ़ी बेजोड़ आता है। अब बात करते हैं फोन के पीछे में, दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम लुक आता है, इसमें कई सारे यहाँ पर डिजाइन वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो काफ़ी अच्छा आता है और साथ ही यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है और एक LED फ्लैश आ जाता है। तो कैमरा के बाद हम आगे करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर का, तो यहाँ पर मिलता है MediaTek का Dimensity 920 का एक 5G प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और यह एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। तो इस प्रोसेसर में आप गेमिंग कीजिए, मल्टीटास्किंग कीजिए, कोई इशू नहीं होने वाला है। और गेमिंग के बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर हाई सेटिंग में कोई सा भी गेम यहाँ पर खेल सकते हैं, तो गेमिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पर होने वाला है। इसमें दोस्तों एडवांस कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपका फ़ोन ठंडा रहने वाला है, कोई यहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों इस फोन का अंतुतु स्कोर 4 लाख के ऊपर जाता है, तो काफ़ी अच्छा इसका अंतुतु स्कोर है और किंग बेज का भी स्कोर काफ़ी अच्छा यहां पर आ जाता है। दोस्तों इस फोन के साथ एक ही वेरिएंट आता है, 8GB का रैम, 256GB का स्टोरेज और रैम जो 8GB है उसे आप बढ़ा करके 13GB कर सकते हैं, यानी कि 5GB आप यहाँ पर वर्चुअल रैम को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो रैम टाइप है LPDDR4X है और स्टोरेज टाइप मिल जाता है UFS 2.2 का, तो यहाँ पर सभी चीज़ें लेटेस्ट हैं, तो रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी यहाँ मक्खन की तरह मिलने वाला है। इस फोन में दोस्तों 4500 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर बैटरी है और साथ ही यहाँ पर मिल जाता है 180 वाट का चार्जर। दोस्तों यहाँ पर जो इन्फिनिक्स क्लेम करता है कि आप इस फोन को 0 से 100% 12 मिनट में चार्ज कर लेंगे, वैसे जो चार्जर है वो काफ़ी यहाँ पर पावरफुल है और दोस्तों यहाँ पर कोई भी वायरलेस चार्जिंग का और रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब इस फोन के कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 5G का सपोर्ट आता है, यह जो प्रोसेसर है यह एक 5G प्रोसेसर है, इसमें आप 5G 4G 3G 2G सभी चला सकते हैं। 5G का इसमें 12 बैंड आते हैं, तो दोस्तों इंडिया में जितने भी बैंड अभी तक लॉन्च हुए हैं यह स्मार्टफोन सभी बैंड को यहाँ पर सपोर्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यह बात हो गया। और इसी के साथ आपको मिल जाता है दोस्तों डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, साथ में इसमें आपको कैरियर एग्रीग्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, NFC इसमें देखने को मिल जाता है, FM रेडियो आ जाता है, तो ये सभी कनेक्टिविटी है। और यहाँ पर जो सेंसर है इस फोन के, सभी सेंसर यहाँ पर आते हैं,
फेस अनलॉक भी काफ़ी स्मूथ यहाँ पर काम कर जाता है। साथ ही दोस्तों इस फोन के अब हम सबसे हाईलाइट फीचर कैमरा के बात करें तो इस फोन में 3 कैमरा लगा हुआ है, जिसमें कि जो मेन कैमरा है उसमें आता है 200 मेगापिक्सल का कैमरा, तो यहाँ पर कैमरा काफ़ी बवाल होने वाला है। वैसे दोस्तों और उसी के साथ जो एक और लेंस है वो है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और साथ ही यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस आता है। तो लेंस ये सभी के सभी अच्छे हैं, यहाँ पर माइक्रो में अच्छा फोटो ले सकते हैं। इसके फीचर्स वगैरह की बात करें तो इसमें पोर्ट्रेट मोड होगा, इसमें आप 4K 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल। तो दोस्तों फाइनली कैमरा के बाद हम आते हैं इसके प्राइजिंग का। तो यह इंडिया में आज ही लॉन्च हुआ है और इसका जो एक ही वेरिएंट है 8 GB RAM 256 GB स्टोरेज, इसका प्राइस आता है 29,999 रुपये। जी हाँ, इन्फिनिक्स इसका प्राइस रखा है 29,999 रुपये। तो दोस्तों इस प्राइस के अनुसार देखें तो यह स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इसमें 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है जो कि AMOLED डिस्प्ले है। साथ ही यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एट एन एवरेज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। MediaTek का 920 का प्रोसेसर जो कि एक 5G प्रोसेसर है और यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा थम्सअप है। और इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है 180 वाट का चार्जर। तो ये सभी कुछ हाईलाइट फीचर थे, तो इनको अगर हम एक साइड देखें तो यहाँ पर इस प्राइस बजट के अनुसार काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्फिनिक्स अपने स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों इस बजट में कई सारे स्मार्टफोन भी अवेलेबल रहते हैं या फिर सेल के दौरान मिलते हैं, तो आप उन सभी स्मार्टफोन को देख सकते हैं, क्योंकि यह फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन हो जाता है, यानी मिड रेंज वाला जो फ्लैगशिप होता है उस लेवल का। तो इससे भी बढ़िया कोई स्मार्टफोन मिलता है तो उसे खरीद लें। अगर आपको इन्फिनिक्स का फोन पसंद है तो इस फोन को ले सकते हैं। यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो OS है वो आपको नाखुश करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एड या फिर ब्लॉटवेयर मिल जाते हैं। तो दोस्तों यही थे इन्फिनिक्स के इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा स्मार्टफोन का फुल अनबॉक्सिंग रिव्यू जो कि मैं आपको बताया। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।